नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रध्वज के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारतीय राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा, जिसके सामने प्रत्येक भारतीय अपना सिर झुकाता है और उसका सम्मान करता है। आज हम तिरंगे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तीन रंगों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और नीचे का गहरा हरा रंग है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रध्वज का वर्तमान स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत के राष्ट्रध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 निर्धारित है। तिरंगे के 9 आकार निर्धारित हैं। राष्ट्रध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन राष्ट्रध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है एवं 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है। भारत की धरती पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो और कई देशों के झंडे लगाने हो, तो उनमें सबसे पहला झंडा भारत का होना चाहिए। तिरंगे का उपयोग सजावट के रूप में नहीं किया जा सकता। तिरंगा कटा फटा, गंदा या उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। तिरंगा राष्ट्रीय शोक पर आधा झुकाया जाता है। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या बराबर नहीं लगाया जा सकता। जब झंडा फट जाता है तो इसे एकांत में जला दिया जाता है या किसी पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। नेक्स्ट है कि तिरंगे को बनाने संबंधी तथ्य। तिरंगे झंडे को हर कोई नहीं बना सकता। तिरंगे को बनाने का अधिकार खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नाम की संस्था के पास है। तिरंगा झंडा खादी, सिल्क या कॉटन का ही बना होना चाहिए। अन्य किसी कपड़े या प्लास्टिक के झंडे अमानक हैं। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के झंडे मिलते हैं, वह तिरंगे के नियमानुसार सही नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS नाम की संस्था तिरंगे झंडे को बनाने के कपड़े, लंबाई चौड़ाई, रंगों के तालमेल इत्यादि का ध्यान रखता है। तिरंगे को किसी पहनने वाले कपड़े पर नहीं छापा जा सकता, परंतु सन 2005 में यह निर्णय आया कि तिरंगे को पहनने वाले कपड़े पर छापा जा सकता है, परंतु वह कपड़ा कमर के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है तिरंगे को निजी तौर पर फहराने संबंधी तथ्य या नियम। सन 2002 से पहले राष्ट्रीय त्योहारों यानी गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अलावा किसी भी भारतीय को निजी तौर पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। सर्वप्रथम 2001 में नवीन जिंदल नाम के उद्योगपति ने अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया एवं इस अधिकार के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जिंदल ने बहस की कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए, जिसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों पर झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। दोस्तों, झंडे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये कभी कभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह छोटा सा हमारा वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।